ये वीडियो मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर का है। हमेशा अटपटा करने वाले सिंधिया समर्थक प्रद्युमन सिंह तोमर एक बार फिर सुर्खियों में हैं। ग्वालियर मैराथन के दौरान वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के पैरों में गिर पड़े, उन्हें दंडवत प्रणाम किया। अचानक ये सीन देखकर मंच पर मौजूद अभिनेत्री महिमा चौधरी भी दंग रह गई। पहले देखिए पूरा वीडियो, फिर बताएंगे पूरी कहानी। स्थानियों से हमारे नेता प्रद्युमन सिंह जी का स्वागत करें। ये जो आयोजन है इसकी सारा हमारे को आशीर्वाद है, उनके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। इतनी शानदार जो मैराथन है, निसंदेह आपके नेतृत्व में ही हम कर पाए हैं। दरअसल 10 मार्च को स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती मनाई जा रही थी। उनकी स्मृति में बीजेपी ने राष्ट्रीय मैराथन दौड़ का आयोजन किया। दौड़ खत्म होने के बाद एमएलबी ग्राउंड पर पुरस्कार वितरण समारोह हो रहा था। समारोह के दौरान मंच पर ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक्ट्रेस महिमा चौधरी मौजूद थी। उसी दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर पीछे से पहुंचे और दोनों के बीच से निकलते हुए एकदम सिंधिया के पैरों में गिर पड़े। सिंधिया के पैरों में अपना सिर रख कर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। बदले में सिंधिया ने प्रद्युमन सिंह तोमर को उठाकर गले लगा लिया। समारोह के दौरान हुए इस घटनाक्रम को देखकर फिल्म एक्ट्रेस महिमा चौधरी भी हैरान रह गईं। महिमा चौधरी ने जब प्रद्युमन सिंह तोमर की तारीफ पूछी तो सिंधिया ने महिमा को बताया कि यह एमपी के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर हैं। इन्हें जनता प्रेम करती है और यह हमसे प्रेम करते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर अक्सर अपने कारनामों के लिए चर्चा में रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में प्रद्युमन सिंह तोमर ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों से सड़क नहीं बनवा पाने के लिए माफी मांगी थी। अफसरों से नाराज सिंधिया समर्थक मंत्री ने जूते चप्पल भी त्याग दिए थे। उन्होंने कहा था जब तक सड़क नहीं बन जाती वे जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। इसी साल जनवरी में प्रद्युमन सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें वह एक समर्थक के पैर कीचड़ से गंदे होने पर उसे अपने हाथों से धोते नजर आए थे।